नेताजी, फेस वार्ता में, वार्ता के दौर में एक और सवाल उठता है, 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। यदि बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में आती है आम आदमी पार्टी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप किसान संगठन से भी जुड़े हैं, जनसत्ता दल से भी जुड़े हुए हैं, इस विषय में आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, इन चुनावों के जो रिजल्ट हैं 5 स्टेट के जी, उन्होंने ये दिखा दिया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से एक परिवार की पार्टियां थी जी, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पार्टी हो जी, चाहे वो अकालियों की हो जी, अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन मायावती की बसपा हो, जो ये एक दो व्यक्ति की पार्टियां थीं, सबको नकार दिया है जनता ने। आम आदमी पार्टी एक दो व्यक्ति की पार्टी है नहीं, उसको लोगों ने मौका दिया है पंजाब में पहली बार, और बाकी 4 स्टेट में, चाहे वो मिजोरम है, गोवा है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। जिस तरीके से लालच देकर, अर्धसत्य बोलकर 2 बार दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए, झूठा लालच देकर, अक्षम बनाकर, नपुंसक बनाकर, भिखारी बनाकर, मैं एक जनता से भी ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा सोचनीय विषय है जी। पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ का मुखिया भगवंत मान है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शपथ लेंगे, जो व्यक्ति पार्लियामेंट में ड्रिंक करके आ जाए, शराब पीकर आ जाए, जो व्यक्ति शराब पीकर अपने को संभाल ना पाए, उसको पंजाब की जनता ने मुखिया बना दिया। बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, जनता का सम्मान है। और मैं माननीय केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ, आपके जितने विधायक वहाँ चुने गए हैं उनको बधाई देता हूँ, भगवंत मान को भी बधाई देता हूँ। धुरंधर वहाँ पर हार गए, कैप्टन चाहे कांग्रेस जुड़े हुए हों, अमरिंदर जी बहुत बढ़िया आदमी, कांग्रेस में बहुत अच्छे आदमी थे, अकाली हार गए। भाई, इसकी भी एक डेट होती है, जो कोई चीज़ है खाने की है, पीने की है, एक्सपायरी डेट होती है। 80-90 साल के आप हो रहे हो, इलेक्शन लड़े जा रहे हो, 10-12 विधायक बन गए, मैं बादल की बात कर रहा हूँ जी, समझ रहा हूँ बात को, आप अपने आप ही छोड़ दो। खिलाड़ी की भी एक एज होती है, रिटायरमेंट ले लेता है, नेता नगरी की तो कोई एज ही नहीं है। वो औंधे मुँह गिरे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सिद्धू जी, अब उनको TV शो में ही आना पड़ेगा, हार गए चन्नी, दोनों जगह से हार गए। एक बात सवाल मैं कर रहा हूँ, जैसा कि बात चलता है फ्री का, राशन, बिजली, क्या ये हमारे देश के लिए एक गंभीर बीमारी नहीं है? गरीबी जो वास्तविक गरीब है, जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था जिसकी ठीक नहीं है, वो आदमी को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या खाने की, राशन की, सब कोई भी हो, लेकिन हमारे यहाँ जो राजनीतिक अपनी पार्टियों के लिए, अपनी शासन सत्ता लाने के, जिन जो इस चीज़ के पात्र भी नहीं है, उनके लिए भी इस तरह की सुविधाएं देती है और लेने के लिए लोग जाते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, पंजाब के जितने भी हैं, जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं या राजनीति की जो गहराई को समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनको ये सोचना चाहिए, बड़ा गंभीर क्वेश्चन है और बड़ा चिंतनीय है कि पंजाब जो हमारा स्टेट लगा हुआ है पाकिस्तान से, वहाँ BJP नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने नकार दिया। चिंतन मनन BJP वालों को भी करने की जरूरत है, माननीय प्रधानमंत्री को भी करने की जरूरत है, और वहाँ के जो मठाधीश थे पंजाब के BJP के, उनको भी देखने की जरूरत है कि कहाँ कमी रह गई। लोगों ने आप पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने केजरीवाल के झूठ पर विश्वास कर लिया। दिल्ली राजधानी में असाधारण बुद्धि चाहिए केजरीवाल जी को समझने के लिए, साधारण बुद्धि की समझ से परे हैं कि कहीं वही तो नहीं है कि 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, भले ही चाहे देश, चाहे राज खड्डे में चला जाए, देश का भट्टा बैठ जाए, राष्ट्र का भट्टा बैठ जाए, नपुंसक बना दो, भिखारी बना दो, अक्षम बना दो, लाचार बना दो, अकर्मण्य बना दो, आलसी बना दो, करने के लायक ही ना रहे कुछ भी। भाई, दिमाग यहाँ पे दिया है प्रभु ने सबको, इंसान में और पशु में ये फर्क है। आप सोचिए, चिंतन करिए कि इस तरीके से अब कोई भी आ जाए वहाँ पे, अगर पाकिस्तान का इमरान आ जाता है, बोल देता है कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान में सारा फ्री कर दूंगा, आप उसे बना देंगे?
दिल्ली में झगड़े हुए फिर भी लोग जागरूक नहीं हुए, क्या कारण है? दिल्ली में झगड़े हुए लोग हो गए अकर्मण। जो आगे आने वाली पीढ़ी है बड़ा चिंतनीय है कि लोगों को फ्री का चाहिए। हिंदुस्तान से बाहर उन स्टेट को देख लीजिए, उन राष्ट्रों को देख लीजिए, जहाँ जिसने फ्री देने की कोशिश की वो राष्ट्र बर्बाद हो गया। मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, शायद हो सकता है मेरे सवाल से लोगों के दिल पर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इकट्ठा करते हैं। कोई लोग बेईमानी से पैसा इकट्ठा करता है, कोई मेहनत की कमाई से इकट्ठा करता है, लेकिन यह क्यों नहीं सोचता कि जिस तरह से आज की राजनीति, जिस तरह से जिस देश जा रहा है, यही हालात रहे तो क्या आने वाले समय में हम या हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह पाएंगे? इस तरीके के हालात रहे, फ्री के चक्कर में आप देते रहे और फ्री के चक्कर में लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते रहे, तो आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। ये पीढ़ी का मतलब है राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं कमी रही है पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाई जी, उनको समझा नहीं पाई जी, जिस वजह से ये रिजल्ट निकल के आया। बड़ी उम्मीद थी उत्तराखंड में, गोवा में, सब जगह बीजेपी आ गई। मैं बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी समझता हूँ, लेकिन पंजाब जैसे बॉर्डर पर और वहाँ के जो धुरंधर थे, एक मुख्यमंत्री चन्नी दो जगह से लड़ता है, दोनों जगह हार जाता है। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नहीं नेताजी, फिर वही बात आ गई, क्या हर जगह हर नेता का समझाना जरूरी? हम भी तो बुद्धिजीवी हैं, हम भी तो दिमाग समझते हैं, हमें हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश शासन है पिछले 5 साल में। फिर वही सवाल कहूंगा मैं कि पिछले 5 साल में ना तो कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, ना कोई झगड़ा होता है, और यदि कोई आदमी इस तरह की कार्यवाही करता है, किसी ने करने की कोशिश की है, तो उसको तुरंत जेल भेजा गया है। तो जैसे पंजाब है या और राज्य है, क्या वहाँ के लोगों में ये दिमाग सोचने की नहीं है क्या, जब उस पिछले 5 साल में उस राज्य के अंदर इतनी शांति रही है, तो ऐसी शांति हमें भी चाहिए? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता शुरू से ही रही है, काफी लोग रहे हैं। उस समय महाभारत रामायण काल देख लें या चाणक्य नीति देख लें आप, ये क्वेश्चन बड़े विचारणीय है, बड़े गंभीर है। इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। और जो राजनीतिक दल हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय पार्टी या बीजेपी रह गई है, उसको ये भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बड़ा आराम से सोचना चाहिए कि ये पंजाब में हम क्यों नहीं आ पाए। सुपड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये विधायक सारे चुन के आए इसमें बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उनका जो कमांडर मठाती है ना, मैं तो कमांडर के होती करने वाला है जी। मैं मुंह से तो क्या क्या बोल दूं, लेकिन सत्य ये है, वो अर्ध सत्य बोलता है। माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, 70% झूठ, 30% सच को मिक्स करके परोसते हैं। साधारण बुद्धि समझ नहीं सकती, असाधारण बुद्धि का काम है। तो मेरे साथियों को, भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से सोचें। और उससे 10 दिन पहले ही कुमार विश्वास का स्टेटमेंट आ जाता है, प्रधानमंत्री जी भी उस पर बोल देते हैं, उसको गंभीरता से लिया जाता है, उसके बावजूद वहाँ की पंजाब की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने कई रैलियाँ कर ली वहाँ पर, अमित शाह जी ने कई रैलियाँ कर ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई रैलियाँ कर ली, पंजाब में बिल्कुल फेल हो गए। तो ये समस्या परे है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है उसको शुभकामना बधाई तो देता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्र हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। अब इसमें वो नई नई बातें करेंगे, मुंह से तो क्या है, कुछ भी बोल दो। मतलब हिंदुस्तान की राजनीति में इतना सातिर बेवकूफ बनाने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। लालू सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह, राहुल गांधी, जितने भी विरोधी हैं बहुत अच्छे हैं, इनसे कांग्रेस ही बहुत अच्छी है, इनसे इनकी वनस्पति समझना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ 6-7 हज़ार से वहाँ से हार गए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये भी सत्य है, मन में मनमुटाव है, पूर्वाग्रह है। उस क्षेत्र की जनता ने बताया कि जहाँ जहाँ लड़ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, वहाँ पे माननीय योगी जी का कहीं उसमें फोटो नहीं था, पोस्टर पर उनके पर उनके अमित शाह जी के ही थे। अरे योगी जी कर्मठ व्यक्ति है, जो लोग बोलते हैं अरे ये तो अपने पिता के उसमें नहीं गया, वो इतना कर्मठ व्यक्ति है कि कोरोना काल में अपने पिता की अस्थि के लिए
यहाँ लोगों का जान दिया, और लोग कहते हैं जो अपने बाप से मिलेगा तुम्हारा क्या होगा। अरे देखिए ना, और जिसको पता भी नहीं है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। तो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में कई बार आए, पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था, उनको कुर्सी की चाह नहीं है, ये बात तो स्वाभाविक है, इस हर आदमी जानता है, लेकिन प्रदेश के लिए राष्ट्रहित के लिए लड़ रहे हैं, वो सही आप देखिए। ईश्वर है, ईश्वर एक शक्ति है जी, लेकिन रूढ़िवादिता मत फैलाइए, अंधभक्त मत बनिए, अंधापन उसमें मत लाइए, मतलब उसमें क्या है गुमराह मत करिए। नोएडा का कलंक योगी जी ने धो दिया, नोएडा में 10 बार हुआ है और पहली बार रिकॉर्ड बन गया जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार आई। दूसरा माननीय पंकज जी 2 लाख से जीत गए योगी जी के नाम पर, पंकज जी नहीं जीते, कमल का निशान जीता है, योगी जी जीते हैं, हर जगह योगी जी जीते हैं। ये पंकज जी को जीतना हुआ नहीं मान रहा मैं, शुभकामना उनको देता हूँ, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व रहा है उसको चेंज करें, परिवर्तन करें, आप जनता के लिए जनसुलभ बने, आपके माध्यम से पक्के आपके माध्यम चलते चलते एक बार आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे नौजवान है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? 2 दिन बाद होली का त्यौहार आ रहा है, होली के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए, अपने प्रसंगों के लिए एक बार शुभकामना संदेश और दीजिए परिचय के साथ। मेरे पिता के राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मेरे पिता के कॉलेज के गुरु आचार्य नरेंद्र देव थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कहते थे कि जिंदा को हमें 5 साल इंतजार नहीं करती, मतलब 5 साल को आप जो साथी हार गए हैं हमारे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ अपने मन को छोटा ना करें भाई, जो दौड़ेगा वो एक तो हारेगा, तो उसमें अपने को चिंतन करें कि हमें कहाँ कमी रहेगी, जनता पर विश्वास नहीं बना पाए। होली आने वाली है, अब होली देखिए जो जीत गए हैं बावले ना हो, पागल ना हो, और बहुत ज्यादा घमंड की बातें ना करें, ऊपर सब एक हैं, जो बड़ा कार्यकर्ता है, जो बड़ा पदाधिकारी है, लेकिन जो छुटबइये हैं वो पागल हो रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बावले हो गए। अरे आप किस वजह से बावले हो रहे हो? राजा भैया को देखिए, राजा भैया इस तरह का क्षत्रिय होता है इस प्रजातंत्र में, आज का प्रजातंत्र का राजा राजा भैया है। वहां पे बीजेपी वालों ने भी, और अखिलेश यादव वहां लड़ रहे थे, गुलशाद यादव नहीं लड़ रहा था, पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद 7वीं बार माननीय राजा भैया किस तरीके से निकल कर आए हैं। मैं राजा भैया को और वहां पर जनता को, राजा भैया थोड़ी लड़ते हैं वहां पर, जनता चुनाव लड़ती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और ये वहां भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया, इन्होंने बहुत ताकत लगाई, बड़े जोर लगाए, लेकिन अभी एक विधायक एक से हारा, एक वोट से, तो लोग कहते हैं ना एक वोट का क्या होता है, एक वोट अटल जी गवर्नमेंट गिर गई थी सेंटर में, एक वोट की बड़ी कीमत है। होली की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, मेरे हारे हुए साथी भी जिंदाबाद और जीते हुए जिंदाबाद है ही, लेकिन उनको जो फॉलो करते हैं जो किसी मतलब के नहीं, सोसाइटी के क्षेत्र के। अच्छा अच्छा, एक सवाल और, पागल हो गए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पागल मत होइए आप, बस होली के पर्व पर लोग वो भांग खाने या करते हैं, उनके लिए संदेश दें कि किस तरह से होली मनाएं। देखिए अपने को लिमिटेड रखिए, मर्यादा में रखिए, होली प्रेम का पर्व है, हिंदुओं का मिलन का पर्व है, ये दुश्मनी का पर्व बना लिया गया है, इसमें कुछ गिले शिकवे 1 साल के अंदर हो जाते हैं तो मिलकर उनको सबको दूर कर लेते हैं, इसलिए हमारे पारंपरिक पर्व बड़े अच्छे हैं, कोई ना कोई लॉजिक है, लेकिन भांग भी लेनी है तो लिमिटेड लीजिए, महादेव का नाम ले देते हैं, चरित्रहीन भगवान श्री कृष्ण का नाम ले देते हैं, हमारे भगवान ऐसे थे, अबे आप श्री कृष्ण भगवान को क्या समझोगे, आप महादेव को क्या समझोगे, महादेव को जस्टिफाई कर देते हैं कि हम भांग ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, भगवान करता था हमारा, चरित्रहीन छिछोरे लफंगे श्री कृष्ण भगवान को जस्टिफाई करते हैं। अरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल में तो छोड़ दिया था, उनके बड़ा सा योगी कोई नहीं हुआ, चरित्रवान कोई नहीं हुआ, आप उनके मुंह से तुलना करके और अपनी जवान गंदी कर लेते हैं। तो मैं ये कहना होली के चैप्टर पर कि गलत चीज़ों को, पीने खाने को मर्यादा में रखें, लिमिट में रखें, अपने घर पर रखें, भांग सारी चीज़ें हैं, ये सारा दिखावा ना करें और गलत हरकत ना करें, नारी शक्ति का सम्मान करें, नारी शक्ति सर्वोपरि है, ये बड़ी दुखदायी चीज़ है कि पुरुष और स्त्री दोनों आपस में अलसुलझे प्रश्न बने हुए हैं हिंदुस्तान में, पूरे ब्रह्मांड में, और जबकि माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है, स्तनपान करता है, इसमें क्या अनसुलझा रह गया, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अनसुलझे हैं, आकर्षण होता है और उसमें गलत नज़र होती है, उन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही, आप योगी जी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए,
उनके आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं चरित्र का बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी बड़े बड़े धुरंधर नेता नगरी में कहीं किस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चरित्र का पतन कर लेते हैं। अमर मणि त्रिपाठी जैसे, शिवानी भटनागर कांड जैसे कितने एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। अपने चरित्र को मेंटेन रखें। चरित्र में खाली एक चीज़ नहीं आती, 5-4 यानी वो अलग चैप्टर हो जाएगा। खैर, उसको बनाए रखें और होली की मर्यादा को बनाए रखें। होली की सभी साथियों को, समाजवादी साथियों को, बीजेपी के साथियों, हर दल के साथियों, जनता दल लोकतंत्र के साथियों, सभी को मेरे सभी संगठनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। जितने जीते प्रत्याशी हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, सबको शुभकामनाएं। लेकिन पंजाब में जो आम आदमी पार्टी आई है, शुभकामना बधाई उसके लिए है। लेकिन विचारणी है, जो भी बुद्धिजीवी है, इस पर गंभीरता से सोचा कि हिंदुस्तान में पंजाब में हो क्या रहा, बीजेपी का ये फेलियर बहुत बड़ा। जी, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।